Dear students, in this module, we shall discuss the fast direct neurotransmitters in detail. There are two major types of neurotransmitters that act as fast direct neurotransmitters. These are fast excitatory synaptic transmitters and fast. Inhibitory transmitters. First, we shall discuss the fast excitatory synaptic transmitters. These neurotransmitters act by opening the ion channels in the postsynaptic cell membrane. These neurotransmitters include acetylcholine, glutamate, and aspartate. शिल एसिटाइल कोलिन इन डिटेल एसीटाइल कोलिन सबसे ज्यादा फेमिलियर फास्ट एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर है ज्यादातर केसेज में यह एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम करता है ताम कुछ केसेस में इनहिबिटरी रोल भी प्ले करता है मिसाल के तौर पर हार्ट में सिंपैथेटिक नर्व नर्व को कंट्रोल करते हुए ये हार्ट के रेट को इनहिबिट करता है या स्लो कर देता है ये स्टूडेंट्स वो न्यूरॉन्स जो एसिटाइल कोलिन बतौर न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोड्यूस करते हैं ऐसे को न्यूरॉन्स कहते हैं। इस तरह के न्यूरॉन इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों में पाए जाते हैं वी डिस्कस मोड ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन वेन एसिटाइल कोलिन इज रिलीज इन टू बाइंड्स टू द एंड गेटेड Acetylcholine specific receptors in the membrane of postsynaptic cell. As a result of binding of neurotransmitter acetylcholine, the sodium and potassium ion channels open briefly. As a result, an excitatory postsynaptic potential is produced in the postsynaptic cell. Dear students, एसिटाइल कोलिन जब सनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होती है तो उसके बाद इसको वहां से रिमूव करना इंतहाई जरूरी होता है इस मकसद के लिए सनेप्टिक क्लेफ्ट में एक इंतहा अहम इंजाइम एसिटाइलकोलीन कोलिन एस्टीरेज अबंडली मौजूद होता है दिस इंजाइम कॉजेज टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन एट कोलिनर्जिक साइनाप्सिस ट्रांसमिशन को एंड करने के लिए ये एसिटाइल कोलीन को कोलीन और एसिटेट में हाइड्रोलाइज कर देता है जो कोलीन इससे प्रोड्यूस होती है दैट इज एक्टिवली रीएब्सोर्ब्ड बाय दी प्रीसाइनाप्टिक मेम्ब्रेन जहां से ये दोबारा से रीसाइकल हो जाती है क्योंकि ये एसिटाइल को इंजाइम के साथ कंडेंसेट करती है और दोबारा एसिटाइल कोलिन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर लेती है डियर स्टूडेंट्स एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज इंजाइम की एक्टिविटी नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए इंतहा इंपॉर्टेंट है कुछ पॉइजन कुछ इंसेक्टिसाइड्स और नर्व गैसेस एसिटाइल कोलिन एसटीरेज की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं इसका रिजल्ट ये होता है कि सनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइल कोलिन जमा होती चली जाती है एज ए रिजल्ट इट कॉजेज कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेशन ऑफ दोसनेप्टिक सेल इट रिजल्ट इन द डिसरप्शन ऑफ न्यूरो मस्कुलर सिस्टम दैट कैन इवन कॉज डेथ डियर स्टूडेंट्स, एसिटाइल कोलिन के साथ मिलते जुलते कुछ मॉलिक्यूल्स जिनका स्ट्रक्चर या फंक्शन सिमिलर होता है वो भी एसीटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसी भी न्यूरो को मिमिक कर लें यानी उसकी कॉपी कर लें उसको नकल उसकी नकल तैयार कर लें ऐसे मॉलिक्यूल्स को एगोनिस्ट्स कहते हैं एसीटाइलकोलिन के तीन मेजर एगोनिस्ट्स हैं कार्बाकोल Nicotine and muscarine. These three agonists of acetylcholine can activate the cholinergic synapses. Now we shall discuss the antagonists. The molecules which can block the action of a neurotransmitter.

की ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देता है डे स्टूडेंट्स, एसिटाइल कोलिन के बाद दूसरा अहम न्यूरो जो फास्ट डायरेक्ट एक्शन करता है दैट इज ग्लूटामेट जहां एसिटाइल कोलिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर पाए जाने वाला सबसे कॉमन न्यूरो है वहीं ग्लूटामेट वर्टिब्रेट्स के ब्रेन में सबसे कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस में ग्लूटामेट उनके न्यूरोमस्कुलर मस्कुलर में फास्ट एक्साइटेटरी रोल प्ले करता है थर्ड मोस्ट कॉमन फास्ट डायरेक्टली एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर इज एस्पार्टेट इट एक्ट एज एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर इन देंट्रल नर्व कार्ड इट इज प्रोड्यूस्ड इन दाइटोकोन्ट्रिया फ्रॉम वेयर इट इज ट्रांसपोर्टेड टू दाइटोप्लाजमा ऑफ द न्यूरोन एंड देन पैकेड इन टू सनेप्टिक वेजिकल्स इसका काम यह है कि ये स्पाइनल कार्ड में ग्लाइसिन के साथ एक एक्साइटेटरी इनहिबिटरी पेयर बनाता है जिसकी वजह से मुख्तलिफ एक्शन पोटेंशियल्स को या एक्साइट किया जाता है या फिर उन्हें इनहिबिट कर लिया जाता है हमेशा ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है ये पेयर्स की फॉर्म में काम करते हैं स्टूडेंट्स नाउ वी शैल डिस्कस द फास्ट इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स दीज आर ग्लाइसिन एंड गैमा अमाइनो बुटारिक एसिड दैट इज गाबा Glycine is secreted mainly as an inhibitory transmitter in the spinal cord. It always acts as inhibitory neurotransmitter. excitatory role The second inhibitory fast-acting neurotransmitter is gamma-aminobutyric acid. This plays inhibitory role in the vertebrates central nervous system. It forms an excitatory-inhibitory pair with glutamate in the brain. It is also released at the inhibitory motor synapses in crustaceans and annelids. It produces inhibitory postsynaptic potentials by increasing. Permeability of chloride ions.